यूनिसेफ के माध्यम से कोरोना टीकाकरण के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मीडिया संवाद कार्यक्रम कलेक्टर आलोक कुमार सिंह की मौजूदगी में हुआ। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि जिले में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में 16 लाख वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। 18 वर्ष से ऊपर वालों को पहला डोज लगभग लग चुका है। कोरोना से बचाव हेतु टीका अति आवश्यक है ताकि तीसरी लहर से बचा जा सके। इसके लिए मीडिया सबसे प्रभावशाली माध्यम है। मीडिया के माध्यम से ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागृत किया जा सकता है। यूनिसेफ की गायत्री परिहार ने भी उपस्थित पत्रकारों से आग्रह किया कि पत्रकारों के माध्यम से प्रसारित समाचारों का जनता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आपके माध्यम से जनता से ही उम्मीद है कि लोग स्वयं टीका लगवाएं और तथा औरों को भी टीका लगवाने हेतु प्रेरित करें। मीडिया संवाद कार्यक्रम में डॉक्टर संजय भंडारी, जनसंपर्क अधिकारी माहेश्वरी भी उपस्थित थे। भारतीय न्यूज के लिए साबिर खान, FM की रिपोर्ट। कोविड टीकाकरण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन और यूनिसेफ द्वारा जो आयोजित मीडिया से संवाद था, उसमें सबसे पहले मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए। कोविड से बचाव के लिए जो सबसे बड़ा उपाय है, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि दो गज दूरी मास्क है जरूरी, और हमारा रक्षा कवच का बनना। मुझे बड़ी खुशी है कि जिले में हमारा जो 16 लाख का लक्षित टारगेट है, जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, उसमें लगभग 50% लोगों को टीकाकरण हो गया है। द्वितीय जो डोज लगाया जाना है उसके बारे में मैं ज़रूर प्रेस मीडिया के साथियों से अनुरोध करूँगा कि जिसका जब भी डोज का सेकेंड डोज आते हैं, अब शासन का इस पूरी तरह से लक्ष्य ये है कि जो अभी हमारी केवल 10% की आबादी ने द्वितीय टीकाकरण किया है, क्योंकि जून से हमारा टीकाकरण तेज़ी से प्रारंभ हुआ था, उसके बाद जून जुलाई अगस्त ख़त्म होते होते अधिकांश लोगों का सेकेंड डोज का टाइम हो जाएगा। तो जहां प्रथम डोज हम 8 लाख से ऊपर लोगों का लगा चुके हैं, वहां सेकेंड डोज केवल 1 लाख से ऊपर लोगों का लगा है। तो अब दोनों को पैरेलल में लगातार इसको चालू रखना होगा। 25 और 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम एक और महाउत्सव चलाएंगे, और जैसा आपके सहयोग से 21 जून को हम लोगों ने 67,000 टीकाकरण किए थे, वैक्सीनेट लोगों को किया था, उसी प्रकार उस तिथि को भी हम लोग जो भी लक्ष्य आएगा उससे ज़्यादा ही टीकाकरण जिले में करेंगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आशा जताई है, और जिस तरह से हमें लगातार 20-25 हज़ार, 15 हज़ार, 10 हज़ार ऐसे डोजेज लगातार मिल रहे हैं, और हफ्ते में 4 दिन टीकाकरण हो रहा है, तो एक तरह से हमारा लक्ष्य अगर डबल करके करते हैं 16 लाख का, तो 32 लाख का टोटल लक्ष्य जिले का होता है। और कुछ निकाय ऐसे हैं कि जो धीरे धीरे 100% की तरफ होते जा रहे हैं, जैसे धार जिले में ही हम 110% का टीकाकरण कर चुके हैं। 110% से आशा ये रहता है कि कई बार साइट ओपन रहती है तो बाहर और आसपास के लोग भी उसमें टीकाकरण करा सकते हैं। इसी प्रकार लगभग 10-15 पंचायतें भी पूरी तरह से टीकाकरण करा चुकी हैं, लेकिन सभी का पहला डोज ही कंप्लीट हुआ है। तो सेकेंड डोज के लिए इस अभियान के बाद, इस अभियान के साथ जब ये 3 महीने गुजरेंगे और सबका सेकेंड डोज का टाइम आएगा, तो उस पर एक विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं चैनल के साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि सेकेंड डोज के टीकाकरण के लिए विशेष रूप से लोगों को प्रेरित करने का कष्ट करें। एक बार पुनः सभी को शुभकामनाएं के साथ अनुरोध करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पालन, और जो भी होम डिपार्टमेंट से जो निर्देश निकले हुए हैं अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए और तृतीय चरण को, लहर को रोकने के लिए, उसका अवश्य पालन करें। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।